महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में प्रदेश शासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है, साथ ही अन्य राज्यों द्वारा इन प्रयासों को अपनाया भी गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राजगढ़ की महिला सम्मेलन को संबोधित किया व कई तरह की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लेने महिलाएं आगे आ रही हैं। माँ बेटियों का सशक्तिकरण सरकार का दायित्व है, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राजगढ़ जिले के जीरापुर में महिला सम्मेलन और अंत्योदय मेले के अवसर पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कही। किसानों की भलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पिछले रवि सीजन में किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं पर 200 रुपए प्रति क्विंटल के मान से राशि 16 अप्रैल को किसानों के खातों में डाल दी जाएगी तथा इस साल गेहूं की खरीदी पर 1735 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 256 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। 10 अप्रैल से चना मसूर की खरीद मंडियों में शुरू होगी। चने का समर्थन मूल्य 4400 रुपए प्रति क्विंटल है, इस पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान मंडी के बाहर गेहूं चने की बिक्री करेंगे उन्हें भी भावांतर योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। राजगढ़ जिले में बन रही मोहनपुरा और कुंडलिया सिंचाई योजनाओं के माध्यम से लगभग 6 लाख एकड़ में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। इन बांधों में भरने वाले पानी से जिले के प्रत्येक गांवों में नल जल योजनाएं बनाकर घर घर पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जीरापुर से रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। सापी हिरा में अगले सत्र से कॉलेज खोल दिया जाएगा। अब मामा बेटियों की नहीं मानेगा तो कौन की मांगेगा। और मेरी बेटी आई, दो गांव और आपने बताए हैं, उनमें भी हम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल खोल देंगे। लेकिन मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं कि बच्चों को पढ़ाना। मैंने तो